तो आज हम लोग बात करेंगे कैरियर से रिलेटेड। कैरियर से रिलेटेड इन द सेंस, वो तो हम डेली बात करते हैं। हम आपको बताना जा रहे हैं कुछ ऐसा प्रोफेशन के बारे में जिसके लिए गवर्नमेंट के पास स्टडी के लिए, एडुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, लेकिन उस कैरियर का, एडुकेशन का अप्रूवल के लिए एग्जामिनेशन का अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है। जब वो एग्जामिनेशन लेता है और ये बताता है कि आप उस एग्जामिनेशन में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई हो गए, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन आप लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या जॉब करते हैं। अभी गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे जॉब आ गया है, लेकिन उस तरह के प्रोफेशन वाले जनरली प्राइवेट प्रैक्टिस ही करते हैं। तो दो सेक्टर हम लेंगे इसमें। देखिए, मैं अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा चीज़ बताऊंगा कि आपको आश्चर्य लगेगा। सब्सक्राइब कीजिए सुजीत करियर काउंसलिंग, HTTPS technodigital.co.in और सिविल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर यूट्यूब पर। इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम तो आपको बताने जा रहा है आज का दो प्रोफेशन के बारे में। बहुत फेमस है, पहला तो बहुत फेमस है चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत फेमस है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरीशिप एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। ये तीन जो है आप सुनते हो, एक बारे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत डिफिकल्ट है, कंपनी सेक्रेटरीशिप के बारे में कोई जानता ही नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में भी कोई नहीं जानता है, जो कॉमर्स ग्रेजुएट हो लोग जानता होगा, CA के बारे में सब जानता है। तो आप लोगों को बताने के पहले मैं वो गया, उसका करिकुलम में गया और देखा है क्या है, ठीक है। क्यों बोलता है बहुत डिफिकल्ट है? अब सिनेरियो भी चेंज है। आज से 25 साल पहले जो पासिंग आउट था CA का, उसे बहुत ज़्यादा अभी हो गया है। इसलिए पहले का CA को अधिक सैलरी या फीस मिलता था और अभी जो है तो कम हो गया है। कारण भी है उसका, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, समय रहेगा तो आप साथ में बने रहिए। तो CA का एग्जामिनेशन या CS का एग्जामिनेशन या ICW या कॉस्ट अकाउंटेंसी करके जो है उसका एग्जामिनेशन, उसको लेने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट का बॉडी बना हुआ है, ठीक है। उस अथॉरिटी को दिया, किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंदर में या किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर में एक बॉडी है जो कि अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर्स बनाते हैं और उसके एग्जामिनेशन लेके अप्रूवल देती है, ठीक है। बाद में डिटेल में बात करेंगे। आपके देश में कई सारा एग्जामिनेशन होता है। कैट एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। UPSC इज देयर, स्टेट सर्विस कमीशन इज देयर, और आपको CDS इज फॉर डिफेंस सर्विसेज NDA। सबसे पॉपुलर है JEE और NEET, ठीक है। JEE PCMB से भी JEE देता है लेटर टेक्नोलॉजी के लिए, और PCM जो है सो JEE एडवांस के लिए जाता है। लेदर में जाना है तो बायोलॉजी का रिक्वायरमेंट भी होता है। आर्किटेक्चर की पढ़ाई 5 साल की होती है। टॉप ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में वर्ल्ड लेवल का है। उसी तरह नीट में एक से एक मेडिकल कॉलेज है और टफेस्ट टफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। ये कह नहीं सकते हैं कि नीट का एग्जामिनेशन जो है, उस पर बाद में आगे, लेकिन जान जाइए कि नीट और JEE एडवांस, नीट एंड JEE एडवांस का एग्जामिनेशन जो है टफेस्ट देन UPSC है, ठीक है। टफेस्ट देन UPSC, ध्यान रखिएगा, आप जाकर देख लीजिए। अब UPSC एग्जामिनेशन का क्या है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। मैं फिर डेविएट कर गया, मैं बोल रहा था ये कि जो CS CS वगैरह का एग्जामिनेशन है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 2 साल का कोर्स हो, 3 साल का कोर्स हो, एक सर्टेन ड्यूरेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद एग्जामिनेशन देने का आता है, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो। जो JEE एडवांस है, ठीक है, या नीट का एग्जामिनेशन है,
उस एग्जामिनेशन के लेवल से अगर कंपेयर करेंगे सीए के एग्जामिनेशन तो 1% भी नहीं है, ये आपको ऐसा लगेगा लोग हवा बना के रखा हुआ है। सीए का एग्जामिनेशन 1% भी नहीं है इन कंपैरिजन टू नीट और जेईई एडवांस, ये आप जान जाइए। ठीक है, बहुत ही जो है पढ़ना क्या है, मैं पूरा सिलेबस दिखाऊं, पढ़ना क्या है ये सुन लीजिए। फर्स्ट जो है सो मैथमेटिक्स अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में अगर आपका नॉलेज 10th के बराबर है, 12th के बराबर है तो बहुत बढ़िया है, 10th के बराबर है उसी से आप पास कर जाएंगे, कुछ भी नहीं है, एकदम इजीएस्ट है, सिंपल एसेटिक्स है, थोड़ा सा इन डेप्थ गया है, लेजर वगैरह के बारे में बताता है कि कैसे एंट्री होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, कुछ नहीं है, वो एक छोटा सा सब्जेक्ट है। बाकी क्या है, बाकी जो उसका पढ़ाई में है सो बिजनेस से चलाने से रिलेटेड टू बिजनेस, एवरी लॉ विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स लेटेस्ट अमेंडमेंट, बस कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आपका LLP एक्ट 2008 है, कंपनी एक्ट 2013 है, अमेंडमेंट 2015 है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। डिफिकल्ट क्या है, ठीक है, डिफिकल्ट क्या है कि 1856 में एक लॉ बना, 1913 में एक लॉ बना, 1956 में लॉ, उसमें अमेंडमेंट होते गया, ये हो ब्रिटिश टाइम, मुगल से भी चल रहा था, ब्रिटिश टाइम में बना, तो जब वो पढ़ता है इन द कंटेक्स्ट हो जाता है। इन द कंटेक्स्ट क्या है कि दिस लॉ इज एज पर क्लॉज नंबर सेक्शन नंबर दिस आर्टिकल नंबर दिस अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट ऑफ दिस, है ना, ये आपका ये एक उलझा हुआ तार की तरह रहता है। ठीक है ना, इतना सारा उसमें क्लोजेज है, इतना पुराना रेफरेंस है, ये है वो है, वही चीज़ और कुछ नहीं है। तो जैसे आपसे पूछा कि व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपनीज, आप बताएंगे उसको, ठीक है, बताएंगे कि 1% का कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है और लिमिटेड कंपनी है, इसके अलावा भी अलग अलग टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी का अलग अलग टाइप हो जाता है, कैसे बनता है, क्या बनता है, हर आर्टिकल के लिए लॉ है और कई बार में लॉ बना, कई बार अमेंडमेंट हुआ, वही आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिए, मिस नहीं कीजिए, सीए जो है और सीए से बहुत डिफिकल्ट है, ये है कुछ नहीं, एकदम इजी है। आप अगर मैं बोल रहा हूँ कि कंपेयर कीजिए नीट और जेई एडवांस के सामने में वो 1% भी नहीं है, डिफिकल्टी का है। क्यों डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इसलिए है कि खुद से आपको पढ़ना है, ये कहा नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि कई सारा इंस्टीट्यूट हो गया है जो कि पढ़ाते भी हैं और डिफरेंट स्टेप्स पर क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या करना पड़ता है वो भी बताते हैं। ये आजकल आसानी हो गया, आज जब हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे उस समय जो ये सब कहानी चल रहा था, हम लोग तैयारी कर रहे थे कि अरे सीए बहुत डिफिकल्ट है, ये है, उस समय इंस्टीट्यूशंस कम था, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो आपको गाइड के साथ आपको एग्जामिनेशन भी दिलवाते हुए लेकर चलाएगा, ये बहुत ही इजी है। CS CS वगैरह अगर मान लीजिए कि इंजीनियरिंग मेडिकल स्ट्रीम में आप नहीं गए, हुआ नहीं या चॉइस नहीं है, दूसरे किसी स्ट्रीम में है, खास करके अगर कॉमर्स ग्रेजुएट है, साइंस ग्रेजुएट है ना, मिस नहीं कीजिए, आसपास का CA वगैरह का सेंटर में जाके पूछिए क्या है क्या नहीं है, जहाँ कोचिंग है। और मेरे को लगता है कि अगर डेली 2-3 घंटा पढ़ लेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। आजकल बहुत सारा पास आउट कर रहा है, CS CS का भी मार्केट जो है सो डाउन हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी ऐसा है कि बहुत सारा कंपनी रजिस्ट्री हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है कंपनी सब कैसे भी है,
इंक्रीज किया है, इसका रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुआ है सभी चीज़ का, लेकिन ऐसा कोई है नहीं, हमको तो नहीं लगा कि इस ढंग का कुछ है कि आप कंपेयर करेंगे। खरे यार बहुत टफ है, मैं तो बता ही रहा हूँ कि ये आप जो है सो जो UPSC एग्जामिनेशन है उससे टफ हमको नीट और JEE एडवांस का लगता है, ठीक है। कैट अलग है, कैट का टफनेस अलग है क्योंकि उसमें एडुकेशन के बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस भी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हो जाता है। GD तो बाद में आता है, UPSC में भी पहले रिटर्न है उसके बाद जो है इंटरव्यू है, लेकिन हमारे हिसाब से इंडिया में नीट और JEE एडवांस टफ एग्जामिनेशन कोई नहीं है। इतना ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन मीन्स कि आपको अच्छा मार्क्स लाने का बोल रहा है, ये नहीं कि क्वालिफाई कर रहा है, मार्क्स अच्छा ला कर अच्छा इंस्टीट्यूशन जब कॉल करती है बुलाते हैं और या लगता है अच्छा इंस्टीट्यूशन उसके लिए बोल रहा है। क्वालिफाई तो ऐसे ही हो जाएगा, तो क्वालिफाई करने से थोड़ा कुछ होता है, ड्राइविंग लाइसेंस देने से कोई जरूरी थोड़ा है कि आप हर गाड़ी को ड्राइव कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए डरना नहीं है। CS वगैरह बिल्कुल ईजी है। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन पास करने वाले हैं या एंट्री होने वाला है तो साथ साथ भी तैयारी कर सकते हैं। आप एक बार जाकर सिलेबस देख लीजिए, कुछ नहीं। अगर आप मान लीजिए कि कभी आप मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी किए, मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे हैं या पास होने वाले हैं, ठीक है, अगर तैयारी सीरियसली किए हैं आप इंजीनियरिंग या मेडिकल का, तो आपके लिए बहुत ईजी। एक बार सिलेबस देखिए, बहुत ही ईजी। खाली लॉ पढ़ना है, कुछ नहीं है। स्टेटिक्स मैथमेटिक्स में बोले तो स्टेटिक्स है और कुछ नहीं, एकदम ईजी एग्जामिनेशन है। मैं देख लिया हूँ, अभी कुछ काम पड़ा तो मैं देख रहा था सिलेबस सर, तो बहुत ही ईजी है। तो आज के लिए आपका कैरियर को बूस्ट देने के लिए हमको लगता है मेरा बात आपको अच्छा लगा होगा, और हम इसलिए बोलते हैं कि हम बिहार के हैं, हम हमेशा हम होते हैं, मैं बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर।